फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 के लेसन नंबर 7 का अध्ययन करेंगे। लेसन नंबर 7 का नाम है वीर अब्दुल हमीद। ये लेसन भारत के महान सैनिक वीर अब्दुल हमीद पर आधारित है, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। तो आइए इस महान सिपाही के जीवन की घटनाओं के बारे में जानते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हमीद। दिस मतलब यह इज मतलब है द स्टोरी में कहानी ऑफ ए ब्रेव सोल्जर मतलब एक वीर सिपाही की नेम्ड नाम है अब्दुल हमीद। यह कहानी एक बहादुर सिपाही अब्दुल हमीद की है। ही मतलब वह, वाज मतलब थे, आ मतलब एक, कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी मतलब भारतीय सेना में, ये पद का नाम है। वह भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार के पद पर थे। ही मतलब वह, वाज मिस थे, अब मतलब एक, वेरी ब्रेव सोल्जर बहुत बहादुर सिपाही, वह एक बहुत बहादुर सिपाही थे। ही मतलब उन्होंने फाट मतलब लड़ाई की इन द 1965 वार 1965 के युद्ध में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वह भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 के युद्ध में लड़े। अब्दुल हमीद वाज बॉर्न मिस पैदा हुए इन धामुपुर विलेज मतलब धामुपुर गांव में ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट मतलब गाजीपुर जिले के इन उत्तर प्रदेश के। अब्दुल हमीद का जन्म गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट के धामुपुर गांव में हुआ था उत्तर प्रदेश में। कब? ऑन 1 जुलाई 1933 1 जुलाई 1933 को इन्हें मुस्लिम फैमिली एक मुस्लिम परिवार में टू सकीना बेगम, ये माता जी का नाम उनके, एंड मोहम्मद उस्मान के, यानी माँ का नाम सकीना बेगम और पिताजी का नाम मोहम्मद उस्मान। एक बार फिर से मिला के बता दें, अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के धामुपुर गांव में 1 जुलाई 1933 को मुस्लिम परिवार सकीना बेगम और मोहम्मद उस्मान के यहाँ हुआ। वुड यू लाइक टू नो, क्या आप जानना चाहोगे, हाउ ही बिकेम द हीरो ऑफ 1965 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कि किस प्रकार वो 1965 युद्ध के नायक बने भारत और पाकिस्तान के बीच। इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 सितंबर 1965, 10 सितंबर 1965 के सुबह का समय था। इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान, भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। ए पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स वॉज मार्चिंग ऑन द भीखी विंड अमृतसर रोड। एक पाकिस्तानी रेजिमेंट का जो पैटर्न टैंक है वो आगे बढ़ रहा था भीखी विंड मैंने अमृतसर रोड की तरफ, इन द खेमकरण सेक्टर ऑफ इंडिया, भारत के खेमकरण सेक्टर में। इट हैड रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा, और ये चीमा नामक गांव पर पहुंचा था। दिस विलेज वाज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर, और यह गांव भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर पर था। इन दिस सेक्टर द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस 6 सितंबर 6, और इस क्षेत्र में 6 सितंबर से युद्ध चल रहा था। हियर हवलदार अब्दुल हमीद एंड द अदर सोल्जर ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी वर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी, और यहां पर हवलदार अब्दुल हमीद और 4 अन्य ग्रेनेडियर्स कंपनी के योद्धा पाकिस्तानी आर्मी का सामना करने के लिए इंतजार कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद वाज सिटिंग इन ए जीप,
और बहादुर अब्दुल हमीद एक जीप में बैठे हुए थे। ही हैड अ स्पेशल गन, उनके पास एक विशेष बंदूक थी। द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम, और पाकिस्तान का जो पैटर्न टैंक था उनसे बहुत ज़्यादा दूरी पर नहीं था। ही कुड हिट द टैंक्स विद हिज गन, वो अपने बंदूक से उस पर प्रहार कर सकते थे इफ़ ही वॉन्टेड टू, यदि वो चाहते। ही वॉज ए गुड शॉट, वह बहुत अच्छे निशानेबाज थे। बट ही डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट हिज शॉट्स, लेकिन वो अपने निशाने को बर्बाद नहीं करना चाहते थे। ही वॉन्टेड टू हिट द टैंक्स विद ईच ऑफ हिज शॉट, वो अपने प्रत्येक निशाने से एक टैंक को खत्म करना चाहते थे, प्रत्येक निशाने से टैंक को खत्म करना चाहते थे। द पाकिस्तानी टैंक्स वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस, और जो पाकिस्तानी टैंक थे बहुत शक्तिशाली और खतरनाक थे। दे वर अप्रोचिंग नियरर एंड नियरर, वो नज़दीक और नज़दीक पहुंच रहे थे। दे वर फायरिंग कंटिन्यूली, वे लगातार फायरिंग कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च्ड फॉरवर्ड, बहादुर अब्दुल हमीद आगे बढ़े। ही सा ए पाकिस्तानी टैंक, उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक देखा। ही टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड अ शॉट, उन्होंने अपनी बंदूक घुमाई और एक निशान लगा कि मारा एक शॉट। द टैंक कॉट फायर, टैंक में आग लग गई एंड बेंट अप इन फ्लेम्स, और ये लपेटों में बदल गई, ऊपर चली लपटों में ऊपर चली गई। ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हमीद कंपनी वर वेरी हैप्पी, और अब्दुल हमीद कंपनी के जितने सिपाही थे बहुत खुश हुए। सडनली ही सा अनदर टैंक, अचानक उन्होंने दूसरे टैंक को देखा। ही फायर्ड अ शॉट अगेन, उन्होंने दोबारा शॉट मारा। एंड इट ऑल्सो ब्रश्ड इनटू फ्लेम्स, और ये भी ज्वालाओं में बदल गई। फोर मोर टैंक्स वर सीन, चार और टैंक दिखाई दिए। द पाकिस्तानी वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद कंपनी, एंड किल हिम। अब्दुल हमीद पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी सेना अब्दुल हमीद की कंपनी पर आक्रमण करना चाहते थे, उन्हें मार देना चाहते थे। ही वाज देयर बिगेस्ट एनमी, वह उनके सबसे बड़े दुश्मन थे। दे टर्न द गन्स ऑफ देयर टैंक्स टुवार्ड्स हिम, उन्होंने अपने बंदूक और टैंक उनकी तरफ मोड़ दिया। बिफोर दे कुड फायर, इससे पहले वे फायर कर पाते वे लोग, अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक टू, अब्दुल हमीद ने तीसरे टैंक को भी मार गिराया। एंड देयर इट बेंट, और ये चलता रहा। इट हैड कॉट फायर, इसमें आग लग गई। फ्लेम्स वर राइजिंग हाई अप, और ज्वालाएं ऊंचे तक उठ रही थी इनटू द स्काई, आसमान में। बट अलास, लेकिन अफसोस की बात, वन सेल ऑफ द एनिमी हिट हिज दीप, और एक वन सेल ऑफ द एनिमी, लेकिन दुश्मन का एक प्रहार उसकी जीप पर पड़ा। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, वो बहादुर नायक गिर पड़ा। ही वॉज डीपली वाउंडेड, वह बहुत ज़्यादा घायल हो गए थे। एट ही डिड नॉट लॉस हिज हर्ट, फिर भी उन्होंने मन से हार नहीं मानी, हृदय से हार नहीं मानी। ही ऑर्डर हिज सोल्जर, उन्होंने अपनी सिपाहियों को आदेश दिया, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो, एंड फाइट ऑन, और लड़ते रहो। दे ओबेड हिज ऑर्डर, उन लोगों ने उनकी आज्ञा का पालन किया। एंड फॉट ब्रेवली, और बहादुरी पूर्वक लड़े। सम मोर टैंक्स ऑफ द एनमी वर डिस्ट्रॉयड, दुश्मन के कुछ और टैंक्स नष्ट किए गए। द पाकिस्तानी सोल्जर गॉट अफ्रेड, और पाकिस्तानी सिपाही डर गए एंड फ्लेड, और भाग गए। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री, और ये भारतीय सेना का सिपाही अपने देश के लिए कुर्बान हो गया, वीरगति को प्राप्त हो गया। ही वॉज अवार्डेड द परमवीर चक्र पोस्ट मुसली, वह मृत्यु के पश्चात उन्हें परमवीर चक्र नवाजा गया, दिया गया। ही विल ऑलवेज बी रिवर्ड, वह हमेशा याद किए जाएंगे एंड रिमेम्बर्ड, सम्मान किए जाएंगे एंड रिमेम्बर, और याद किए जाएंगे बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों द्वारा। एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ 1965 वार, क्योंकि वो 1965 के बहादुर हीरो में से थे, अगेंस्ट पाकिस्तान के खिलाफ।
हिज विलेज हैज बीन नेम्ड हामिद धाम, उनके गांव का नाम हामिद धाम कर दिया गया आफ्टर हिज नेम, उनके नाम के बाद, यानी उनके नाम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।